नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल माई पाठशाला में और पाठशाला रेलवे एग्जाम में। बड़ा मिस किया आप लोगों ने, कई सारे मैसेज व्हाट्सएप फेसबुक लगातार मैसेज सर करेंट अफेयर्स कहाँ है, करेंट अफेयर्स कहाँ है। अगर आप देखें तो सिर्फ एक दिन का करेंट अफेयर्स मिस हुआ था और वो सिर्फ और सिर्फ कुछ मेडिकल इमरजेंसीज थी, मुझे अपना टीथ का ट्रीटमेंट कराना था और उसकी वजह से मैं पूरा दिन डॉक्टर के यहाँ बिजी रहा और इस वजह से आपका करेंट अफेयर्स नहीं आ पाया। लेकिन हाल फिलहाल आप परेशान मत हो, आपका जो भी दो या तीन दिन का करंट अफेयर्स है वो आज हम कवर कर रहे हैं। आज के करंट अफेयर्स में 14, 15, 16 जून तीन दिन का करंट अफेयर्स पूरा कवर किया जाएगा, पूरा डिटेल में कवर करेंगे, फिर उसके बाद वन लाइनर पे जाएंगे और फिर उसके बाद क्विज करेंगे। एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इंपॉर्टेंट बन सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मर्सर के 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार रहने की लागत के मामले में प्रवासियों के लिए देश का सबसे महंगा शहर कौन सा है, मतलब कि बाहर से कोई अगर हमारे पास देश में रहने आता है तो कौन सा शहर जो होगा उसके लिए महंगा साबित होगा। कई चार ऑप्शन है, कोलकाता, बैंगलोर, मुंबई, दिल्ली, तो इनमें से कौन सा सबसे महंगा है इसके बारे में चर्चा जरूर करेंगे। लेकिन आज की जो करंट अफेयर्स की शुरुआत है, ये न्यूज आप सभी को मिल गई होगी तो एक फॉर्मेलिटी है ये न्यूज देना, क्योंकि आई थिंक आप सभी ने टीवी वगैरह पे देख लिया होगा कि एक उभरता हुआ सितारा सुशांत सिंह राजपूत अपने बांद्रा स्थित घर पर मृत पाए गए थे। उन्होंने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। कहा तो यह जा रहा है कि उन्होंने डिप्रेशन में आत्महत्या कर ली, वो पिछले 6 महीने थे डिप्रेशन से पीड़ित थे। लेकिन इस तरह की घटनाएं ये दर्शाती हैं कि समाज में रुतबा, पैसा, शोहरत, नाम ही सब कुछ नहीं होता। जीवन में एक पल की खुशी आपके लिए काफी ज्यादा मायने रखती है, तो कोई भी चीज जो आपको खुशी दे, जो आपको थोड़ा सा सुकून दे, उसकी तरफ भागे। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि जिंदगी बनाने के लिए लोग जिंदगी जीना छोड़ देते हैं, ऐसा ही कुछ सुशांत सिंह राजपूत के केस में लग रहा है। तो फिलहाल फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने 14 जून को मुंबई में अपने फ्लैट में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वो बीते 6 महीने से डिप्रेशन में थे। सुशांत सिंह का जन्म पटना में हुआ था और वो पुरनिया के रहने वाले थे। सुशांत सिंह राजपूत ने केदारनाथ, एमएस धोनी, छिछोरे जैसी कई फिल्मों में अभिनय किया। उन्होंने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत छोटे पर्दे से की थी और पवित्र रिश्ता नाम का एक टीवी सीरियल उनके लिए काफी मददगार साबित हुआ और वहीं से उनको नेम एंड फेम मिला। तो फिलहाल सुशांत सिंह राजपूत, दुख है हमें, लेकिन इस तरह का कोई भी कदम किसी को भी कभी भी नहीं उठाना चाहिए, खासकर सुसाइड का ऐसा कदम, कि इससे किसी भी समस्या का हल नहीं होता, बशर्ते आप समस्याओं से भाग खड़े होते हैं। कोई भी समस्या जीवन में काफी समय तक नहीं रहती, समय बदलता है, समस्याएं भी बदलती हैं और आपको फेस करने की जो क्षमता होती है, आपको जो फेस करने की क्षमता है वो भी बदलती है। यानी कि आप किसी समस्या को डील कर रहे हैं तो वो भी धीरे धीरे बदल जाएगी, इसीलिए कभी निराश नहीं होना चाहिए। मेरे जीवन में भी कई ऐसे ऐसे क्षण आए जब मेरे मन में भी विचार आया कि चलो एक बार ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं, लेकिन कभी भी आत्महत्या का ख्याल नहीं आया। और शायद इसलिए क्योंकि मेरे मन में यह विश्वास हमेशा रहता है कि आज नहीं कल अपना टाइम आएगा। चलिए अगली जानकारी की तरफ चलते हैं और अगली जानकारी जो है ये उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए एमएचआरडी ने एनआईआरएफ रैंकिंग जारी की है, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क। इसको 2005 में एमएचआरडी ने अपनाया था और इसको अपनाने का मेन मकसद यह था कि भारत में कॉलेज स्तर पर, यूनिवर्सिटी स्तर पर यानी विश्वविद्यालय स्तर पर और विभाग स्तर पर कॉलेजों की रैंकिंग करना और यह पता करना कि कौन सा कॉलेज सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहा है। तो इस रैंकिंग में ओवरऑल कैटेगरी में आईआईटी मद्रास जो है वो टॉप नंबर पर आया है, जबकि यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आपका आईआईएससी बैंगलोर पहले नंबर पर आया है। आइए डालते हैं एक नजर न्यूज पर। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए भारत रैंकिंग, जिसे हम लोग एनआईआरएफ रैंकिंग भी कहते हैं, इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क रैंकिंग, और इस समग्र रैंकिंग के लिए आईआईटी मद्रास जो है वो पहले स्थान पर रहा है। इंजीनियरिंग में आईआईटी मद्रास, विश्वविद्यालय में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर, जबकि प्रबंधन श्रेणी में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट सर्वोच्च स्थान पर रहा है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान आईएएम अहमदाबाद है इसमें सर्वोच्च स्थान पर, जबकि अगर आप मेडिकल कॉलेज की बात करें तो एम्स जो है वो लगातार तीसरे साल सर्वोच्च श्रेणी पर बना हुआ है। कॉलेजों के मामले में मिरांडा कॉलेज लगातार तीसरी बार प्रथम स्थान पर है। दंत चिकित्सा के क्षेत्र में इसको पहली बार रैंकिंग में शामिल किया गया है। मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल कॉलेज पहले स्थान पर है। दंत चिकित्सा संस्थानों को पहली बार भारत में रैंकिंग में शामिल किया गया है। जबकि यूनिवर्सिटीज रैंकिंग में अगर आप देखें तो जेएनयू और डीयू की रैंकिंग हमें देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अक्सर वहां पे हल्ले होते रहते हैं, मतलब कई सारा बवाल होता रहता है, पढ़ने में भी उनका मन लगता है कि नहीं मन लगता है। तो देखा जाए तो आईएएससी बैंगलोर को यहां पर टॉप रैंकिंग मिली है यूनिवर्सिटी कैटेगरी में। फिर जेएनयू का नंबर आता है दूसरे नंबर पर है, लेकिन अगर आप देखें
तो यहां स्कोर के मामले में बहुत बड़ा अंतर है। आईएससी बेंगलोर जहां पर 84.18 अंक पाकर सर्वोच्च स्थान पर है, वहीं जेएनयू यानी कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी स्कोर के मामले में काफी पीछे है, 70.16 है उनका स्कोर। और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी तीसरे नंबर पर आई है बीएचयू 63.15 के स्थान पर, जबकि टॉप 10 में दिल्ली यूनिवर्सिटी का नाम आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, 13वें नंबर पर दिल्ली यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का नाम है। और फिर उसके बाद अमृता विश्वपीठम कोयम्बटूर ये चौथे नंबर पर, जादवपुर यूनिवर्सिटी 5वें नंबर पर, हैदराबाद यूनिवर्सिटी 6ठे नंबर पर, कोलकाता यूनिवर्सिटी 7वें नंबर पर, मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन मणिपाल यूनिवर्सिटी 8वें नंबर पर, सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी पुणे 9वें नंबर पर, और जामिया मिलिया इस्लामिया न्यू दिल्ली 10वें नंबर पर आए हैं। तो ये थे यूनिवर्सिटी रैंकिंग। ओवरऑल रैंकिंग में टॉप किया है आईआईटी मद्रास ने। अगली जानकारी की तरफ चलते हैं। एनएचएआई यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये अपने आप में पूरी तरीके से अपने आप को डिजिटलाइज करने वाला पहला डिपार्टमेंट बन गया है। तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नाम से मशहूर, पूरी तरह से डिजिटल होने वाला निर्माण क्षेत्र का यानी कि कंस्ट्रक्शन फील्ड का पहला संगठन बना है। इन्होंने अपने सारे रिकॉर्ड जो है वो ऑनलाइन कर दिए हैं, और इस तरीके से इनका जो मेन मोटिव है इस तरह से ऑनलाइन करने का या डिजिटल होने का, वो यही कि COVID-19 के दौरान कम से कम आपस में संपर्क में आए, दूर से दूर बात होती रहे और सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन रहे। तो फिलहाल एनएचएआई ने यूनिक क्लाउड आधारित एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित बिग डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म डेटा लेक एवं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को खतरनाक महामारी से निपटने के लिए लॉन्च किया है, और इसके जरिए उन्होंने अपना जो भी काम करना है उसमें किसी शारीरिक संपर्क और भौतिक रूप से फाइलों को छुए बिना डर के काम कर रहे हैं। और एनएचएआई के समस्त अधिकारियों को कार्य प्रक्रिया को मैनुअल से ऑनलाइन पोर्टल आधारित में परिवर्तित कर दिया गया है, और ऐसा करने वाला वो निर्माण क्षेत्र का पहला डिपार्टमेंट बन गया है। एनएचएआई की बात करें तो सुखबीर सिंह सिंधु वर्तमान समय में चेयरमैन है। एनएचएआई की स्थापना 1995 में की गई थी। इसका मकसद है डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ नेशनल हाईवे, जो भी आपके राष्ट्रीय हाईवे हैं उनका डेवलपमेंट करना, उनका विकास करना और उनका रखरखाव करने की पूरी जिम्मेदारी एनएचएआई की होती है। इसकी संस्थापना भारतीय संसद द्वारा की गई थी 1988 में, और फॉर्मेशन इसका 1995 में हुआ है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। अगली जानकारी है, फीफा ने रैंकिंग जारी की है, और एक बार फिर से फीफा ने रैंकिंग जारी की है, और भारत ने अपना 108वीं पोजीशन को बरकरार रखा है। पिछले कुछ महीने पहले भी फीफा ने अपनी रैंकिंग जारी की थी और उसमें भारतीय टीम को 108 रैंकिंग मिली थी। इस बार भी भारतीय टीम ने अपनी रैंकिंग को बरकरार रखा है। तो भारत ने फीफा रैंकिंग में 108वां स्थान प्राप्त किया है, जबकि बेल्जियम जो है वो पहले स्थान पर है और फ्रांस दूसरे स्थान पर चल रहा है। कई सारे मैच जो है वो फीफा के कोरोना वायरस के चलते रद्द किए गए हैं। फीफा की बात करें तो फीफा के जो वर्तमान समय में हेड हैं या मुखिया हैं या अध्यक्ष हैं वो है जियानी इन्फेंटिनो। इसकी स्थापना पेरिस फ्रांस में हुई थी, और महासचिव इसकी हैं फातिमा समारा। वर्तमान समय में 211 जो सदस्य देश है वो इसके सदस्य है, और इसका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है, और इसके वर्तमान अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो है। फीफा रैंकिंग जारी हुई, पहले स्थान पर बेल्जियम, दूसरे पर फ्रांस, भारत 108वें स्थान पर बरकरार। यूपी सरकार की एक नई योजना सामने आ रही है, बाल श्रमिक विद्या योजना। हर साल हम 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाते हैं, और इसी दिन इस योजना की घोषणा हुई। इस योजना का जो मेन मकसद है वो बच्चों को बाल श्रम से हटाकर पढ़ाई की ओर उन्मुख करना है, और इसके जरिए उन्हें स्कॉलरशिप भी प्रदान की जाएगी। ये स्कॉलरशिप 1000 रुपए से 1200 रुपए तक की होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने राज्य में बाल श्रमिकों को शिक्षित करने के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की है। यह योजना अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर शुरू की गई, जो कि 12 जून को मनाया जाता है। इस योजना के तहत चयनित लड़कों एवं लड़कियों को क्रमशः 1000 रुपए और 1200 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, यानी हर महीने उन्हें 1000 रुपए लड़कों को और 1200 रुपए लड़कियों को दिए जाएंगे। यदि वे बच्चे कक्षा 8, 9 और 10 पास कर लेते हैं तो उन्हें प्रत्येक कक्षा को पास करने के लिए 6000 रुपए की अतिरिक्त राशि भी दी जाएगी। राज्य में 57 जिलों के कुल 2000 बच्चों, 57 नहीं राज्य में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो इसमें 75 डिस्ट्रिक्ट को शामिल किया गया है। यहाँ पे 57 में प्रिंटिंग है। 75 जिलों के कुल 2000 बच्चों को बाल श्रम विद्या योजना के तहत पहले चरण से लाभान्वित होंगे, और इसके अलावा इन बच्चों के परिवारों को केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं का लाभ भी प्राप्त
होगा। तो फिलहाल 2000 बच्चे चुने जाएंगे और उनको इस तरह की योजना से 1000 रुपए और 1200 रुपए उन्हें मासिक तौर पर दिए जाएंगे। अगर वो कक्षा 8, 9, 10 भी पार करते हैं तो हर साल उन्हें जब जब वो इस कक्षा को पार करेंगे तो 6000 रुपए की अतिरिक्त राशि भी दी जाएगी। कुछ दिन पहले ही एक विधेयक पास किया गया है जिसमें गौ हत्या करने वालों को दंड का प्रावधान किया है, वो भी उत्तर प्रदेश ने ही पार किया था। मुंबई देश का सबसे महंगा शहर है, जबकि एशिया का 19वें नंबर का सबसे महंगा शहर और विश्व का 60वां सबसे महंगा शहर है। जबकि अगर हम पहले स्थान की बात करें तो उसके बारे में चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन पहले समझते हैं मुंबई। एक सर्वेक्षण के अनुसार रहने की लागत के मामले में प्रवासियों के लिए, जो बाहर से लोग रहने आते हैं, उनके लिए देश का सबसे महंगा शहर है। यानी होटल आपको यहां पे सबसे महंगे मिलेंगे, यहां रहने खाने के लिए जो खर्च करना पड़ता है वो काफी आपको ज्यादा करना पड़ेगा। मर्सर 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के मुताबिक वैश्विक स्तर पर प्रवासियों के लिए मुंबई 60वां सबसे महंगा शहर है। ग्लोबली ये 60 नंबर पर आता है, जबकि एशिया में ये 19वें स्थान पर है। मुंबई के बाद नई दिल्ली पर विश्व स्तर पर 101 नंबर पर और चेन्नई विश्व स्तर पर 143वां स्थान पा चुका है। इस लिस्ट की बात करें तो इस लिस्ट में सबसे पहले हांगकांग है। ये लगातार 2 सालों से विश्व के सबसे महंगे शहरों में शामिल है। दूसरे स्थान पर अशखाबाद है। अशखाबाद तुर्कमेनिस्तान का एक देश है। और फिर उसके बाद टोक्यो, फिर उसके बाद ज्यूरिच, फिर सिंगापुर 5वें नंबर पर है, न्यूयॉर्क 6ठे नंबर पर है, शंघाई चीन का 7वें नंबर पर है, जबकि बर्न स्विट्जरलैंड का 8वें नंबर पर है। तो इस लिस्ट में पहले नंबर पर है हांगकांग, फिर अशखाबाद। अगली जानकारी है हुबली स्टेशन। कंफ्यूज मत होइएगा, हुगली नहीं बोला है मैंने, हुबली बोला है। हुबली कर्नाटक में है जबकि हुगली पश्चिम बंगाल में। हुबली कर्नाटक का जो रेलवे स्टेशन है वो विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनाने जा रहा है। अभी तक विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर रेलवे स्टेशन का है। फिलहाल कर्नाटक का हुबली स्टेशन दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बनने के लिए तैयार है, जो 1400 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा होगा। 1400 मीटर लंबा, लगभग 1.5 किलोमीटर, 100 मीटर कम 1.5 किलोमीटर। हुबली जंक्शन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर विस्तार का काम 1 साल में पूरा हो जाएगा। और वर्तमान में गोरखपुर रेलवे स्टेशन सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है, जो 1366 मीटर लंबा है। इसके अलावा 1180 मीटर लंबाई वाला कोल्लम जंक्शन दूसरा सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। तो अगर आपसे पूछा जाए, अभी तो इसका ऑफिशियल घोषणा नहीं हुई है, तो गोरखपुर ही रहेगा, लेकिन आपको इंतजार करना होगा। हुबली रेलवे स्टेशन का जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 है वो आपका विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है। अगली जानकारी की तरफ चलते हैं, तो ये है वाइस एडमिरल विश्वजीत दास गुप्ता। एवीएसएम, वाईएसएम, वीएसएम ने 12 जून 2020 को विशाखापट्टनम पूर्वी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में पदभार ग्रहण किया है। वाइस एडमिरल विश्वजीत दास गुप्ता ने वाइस एडमिरल एसएन घोरमडे की जगह ली है। तो विशाखापट्टनम पूर्वी नौसेना कमान के हेड कौन बने हैं, वो है आपके वाइस एडमिरल विश्वजीत दास गुप्ता, जबकि भारतीय नौसेना के हेड कौन है, एडमिरल करमवीर सिंह। अगली जानकारी है, बांग्लादेश ने एक पहल शुरू की है कि COVID-19 के उपचार से जो लोग ठीक हो चुके हैं उनका प्लाज्मा ले लिया जाए। आपको सभी को पता है कि प्लाज्मा टेक्नोलॉजी के जरिए या प्लाज्मा थेरेपी के जरिए COVID-19 को जल्दी से ठीक किया जा सकता है, क्योंकि जो लोग कोरोना वायरस से संक्रमित होकर ठीक हो गए, यानी उनके शरीर में कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज डेवलप हो गए, उन एंटीबॉडीज वो प्लाज्मा में पाए जाते हैं, उन प्लाज्मा को अगर दूसरे के शरीर में चढ़ा दिया जाएगा, रक्त आधान कर दिया जाएगा, तो आपका जो एंटीबॉडीज है वो दूसरे के शरीर में भी पहुंच जाता है और उसके अंदर भी कोरोना वायरस से लड़ने की क्षमता पैदा हो जाती है। इसी थेरेपी को प्लाज्मा थेरेपी कहा जाता है। थोड़ा सा टेक्निकल और होता है कि उसका ब्लड ग्रुप ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, तो उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। हाल फिलहाल बांग्लादेश सरकार ने सोहो जोधा नामक एक पहल शुरू की है, जो COVID-19 के उपचार से ठीक हुए रोगियों को प्लाज्मा एक्सचेंज की सुविधा एक ऑनलाइन नेटवर्क के जरिए देगी। मतलब अगर आप ठीक हुए हैं COVID-19 के जरिए, तो इस नेटवर्क पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और एक नेटवर्क बनाया जाएगा। जितने भी रोगी प्लाज्मा थेरेपी से ठीक हुए हैं या जितने भी लोग उस COVID-19 के उपचार से ठीक हुए हैं, उनके प्लाज्मा एक्सचेंज की सुविधा पाई जा सके। कोरोना वायरस से ठीक होने वाले रोगियों के प्लाज्मा के स्टोर और वितरण की सुविधा के लिए स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय A2I इनोवेशन लैब और ई जनरेशन के सहयोग से बांग्लादेश सरकार के ICT डिवीजन द्वारा यह पहल शुरू की गई है। बांग्लादेश में कोरोना वायरस रोगियों के लिए प्लाज्मा थेरेपी अभी ट्रायल प्रक्रिया में है, जिसे सरकार से अंतिम मंजूरी की प्रतीक्षा है। तो सोहो जोधा नाम की पहल जो है वो किसने शुरू की है, बांग्लादेश ने। बांग्लादेश की वर्तमान समय में प्रधानमंत्री है शेख हसीना, जिनको अभी हाल ही में कलाम शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। शेख हसीना मुजीबुर रहमान जी की पुत्री है, जो कि बांग्लादेश के स्वतंत्रता सेनानी हुए थे।
और वर्तमान समय में बांग्लादेश के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं अब्दुल हमीद। कुछ समय पहले वो भारत की यात्रा पर भी थे। अगली जानकारी की तरफ चलते हैं। हैदराबाद सिटी पुलिस ने स्त्री नाम का एक प्रोग्राम शुरू किया है ताकि वो महिलाओं के खिलाफ जो भी अपराध होते हैं उनको तेजी से उन पर नजर रख सके, साथ साथ उसमें जो पुलिसिंग सिस्टम है उसको सुधारा जा सके। तो हैदराबाद सिटी पुलिस ने हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल के साथ मिलकर घरेलू हिंसा और दुर्व्यवहार के शिकार महिलाओं की सहायता करने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए द सी ट्रम्प थ्रू रिस्पेक्ट इक्वेलिटी एंड एम्पावरमेंट नाम का एक कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को उनके अधिकारों, हक, कानून और सहायता प्रणालियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और महिलाओं की सुरक्षा, समानता, सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए साझेदारों का एक नेटवर्क स्थापित करना है। तो किसने शुरू किया है स्त्री नाम का प्रोग्राम? ये हैदराबाद पुलिस ने शुरू किया है। क्यों शुरू किया है? ताकि महिलाओं को सुरक्षित किया जा सके और उनके साथ एक नेटवर्क बनाया जा सके। उड़ीसा सरकार पहला ऐसा राज्य बन गया है, उड़ीसा पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसको आईएसओ सर्टिफिकेशन हासिल हुआ है छात्रों के छात्रावास के लिए। उड़ीसा जनजाति छात्रों के छात्रावास के लिए आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। जनजाति छात्र एससी एसटी एंड एससी कल्याण विभाग ने राज्य के सभी आदिवासी छात्रावासों के बुनियादी ढांचे, सुविधाओं और मानव संसाधनों को समान मानक प्रदान करने के लिए मिशन सुविधा नाम की परियोजना शुरू की है। मिशन सुविधा नाम की परियोजना किसने शुरू की है? उड़ीसा राज्य ने। क्यों शुरू की है? ताकि जो एससी एसटी लोग हैं उनके जन कल्याण के लिए और जो भी आदिवासी छात्रावासों के बुनियादी ढांचों के सुधार के लिए उनको एक स्टैंडर्ड लिविंग देने के लिए यहां पर इस योजना की शुरुआत की गई है। और हाल फिलहाल ये पहला ऐसा राज्य है जिसने इस तरह की योजना शुरू की है। इस चरण में क्योंझर, संबलपुर जिलों के छात्रावासों के आकलन किया गया। क्योंझर के 156 छात्रावासों में से 60 को गहन हस्तक्षेप के लिए चिन्हित किया गया है। मिशन सुविधा योजना दिसंबर 2019 में शुरू की गई है जिसका उद्देश्य एससी यानी अनुसूचित जाति और एसटी यानी अनुसूचित जनजाति छात्रावासों में सुरक्षित भवन, कार्यात्मक शौचालय, सुरक्षित पेयजल, उचित रसोई और भोजन बचाओ, सुरक्षा, छात्रों के स्वास्थ्य, स्वच्छता और भोजन जैसी बुनियादी सुविधाओं में सुधार करने के लिए इस योजना को लॉन्च किया गया है। तो उड़ीसा पहला स्टेट बन गया है जिसको आईएसओ सर्टिफिकेट मिला है ट्राइबल हॉस्टल के लिए। आईएसओ की बात करें तो ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरी दुनिया में एक मानक स्थापित करने के लिए इसकी स्थापना हुई थी। ये एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 23 फरवरी 1947 को आपके जिनेवा स्विट्जरलैंड में की गई थी। इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। वर्तमान समय में इसके जो प्रेसिडेंट है वो एडी नजर रोगे हैं। एडी नजर रोगे। अगली जानकारी की तरफ चलते हैं। अगली जानकारी है रेलवे ने हाई राइज डबल स्टैक कंटेनर सेवा को सफलतापूर्वक चलाकर कीर्तिमान बनाया है। आपने डबल डेकर बस सुनी होगी लेकिन पहली बार डबल स्टैक कंटेनर सेवा को शुरू किया गया है। मतलब डब्बे के ऊपर भी आप माल लोड कर सकेंगे और एक स्टैक के ऊपर एक और स्टैक लगाया जा सकेगा। तो फिलहाल भारतीय रेलवे ने पश्चिमी रेलवे के ओवरहेड इक्विपमेंट क्षेत्र में पहली बार डबल स्टैक कंटेनर को चलाया गया है। इस ट्रेन का गुजरात के पालनपुर और बोटाद स्टेशन के बीच में 10 जून को सफलतापूर्वक चलाया गया था। डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन से रेलवे की माल ढुलाई में काफी फायदा मिलेगा और एक बार में दोगुने से भी ज्यादा सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामानों को आसानी से भेजा जा सकेगा। भारतीय रेलवे के हाई राइज डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन को सफलतापूर्वक चलाकर एक नया विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है जो कि विश्व में अभी तक किसी ने भी इस तरह की कोई पहल नहीं की है। विश्व में यह अपनी तरह की पहली उपलब्धि है जिसे ग्रीन इंडिया जैसे महत्वाकांक्षी अभियान को बढ़ावा मिलेगा। कहां पर चलाई गई है? गुजरात के पालनपुर से बोटाद रेलवे स्टेशन पर और पहली बार पश्चिमी रेलवे ने यह चीज शुरू की है। वर्तमान समय में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? विनोद कुमार यादव। उनको एक साल का विस्तार दिया गया है। और रेलवे में वर्तमान समय में कितने जोन है? इस वर्तमान समय में आपके रेलवे में 18 जोन है। नया जोन कौन सा बना है? साउथ कोस्ट रेलवे। अगली जानकारी है, जैसा कि आप सभी को पता है बारिश होती नहीं है कि मुंबई में बाढ़ आ जाती है, तो ऐसे में मुंबई के लोगों को सुरक्षित करने के लिए एक स्टेट ऑफ आर्ट आई फ्लो नाम का एक सिस्टम लगाया गया है। एक अत्याधुनिक एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली का शुभारंभ किया गया है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा और केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने संयुक्त रूप से 12 जून को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुरुआत की। आईफ्लोज मुंबई ये इंटीग्रेटेड फ्लड वार्निंग सिस्टम है मुंबई के लिए। यह प्रणाली मुंबई को अधिक लचीला बनाने में मदद करेगी क्योंकि बाढ़ के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रदान करती है और जब भी लगेगा कि किसी स्थान पर बाढ़ आने वाली है तो 12 घंटे पहले ही हमें पता चल जाएगा कि उस स्थान पर बाढ़ आने वाली है जिसकी वजह से जरूरी रक्षा उपाय किए जा सकेंगे। आई फ्लो सिस्टम कहां लगाया गया है? मुंबई में।
अगली जानकारी है, इनको पहचानते होंगे आप, जी हां, ये हैं पंकज त्रिपाठी। इनको खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी को बिहार सरकार द्वारा बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ये बिहार के मूल निवासी हैं और पटना में बिहार के खादी और देश के सबसे बड़े खादी माल का प्रचार करेंगे। खादी ग्रामोद्योग बोर्ड ने सभी खादी संस्थानों के उत्पादन और सेल्स को बढ़ाने के लिए खादी वस्त्रों को नए डिजाइन बनाने का निर्देश दिया है। राज्य के मधुबनी खादी का पूरे देश में प्रचार किया जा रहा है। तो हाल फिलहाल पंकज त्रिपाठी बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। अगली जानकारी है, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 12 जून को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम यानी कि नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा यंग प्रोफेशनल, जो नए बच्चे आते हैं, जो नए प्रोफेशनल होते हैं, जिन्होंने अभी अभी डिग्री ली होती है, उनको प्रॉपर तरीके से ट्रेन करने के लिए एक इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किया है और उसका नाम रखा गया है सहकार मित्र योजना यानी कि कोऑपरेटिव फ्रेंड प्लान। यह योजना युवा पेशेवरों को पेड इंटर्नशिप के रूप में यानी उन्हें पैसे मिलेंगे और उन्हें इंटर्नशिप करनी होगी, में एनसीडीसी एवं सहकारिता के साथ काम करके व्यवहारिक रूप से काम करने के सीखने का अवसर प्रदान करेगा। फिर से देखिए किस मंत्रालय की योजना है, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, ये किसके पास है, नरेंद्र सिंह तोमर जी के पास। किसके सहायता से की गई है, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एनसीडीसी, फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। क्यों करी गई है, ताकि जो यंग प्रोफेशनल आ रहे हैं वो साथ साथ काम करें और ये एक इंटर्नशिप योजना है, उन्हें रोजगार भी मिलेगा थोड़े समय के लिए और साथ साथ वो इसके इस निगम के साथ काम करने का अनुभव भी प्राप्त करेंगे। इस योजना के तहत कृषि और संबद्ध क्षेत्र और आईटी में ग्रेजुएट इंटर्नशिप कार्यक्रम के लिए पात्र होंगे। कृषि व्यापार सहकारिता वित्त अंतरराष्ट्रीय व्यापार वाणिज्य ग्रामीण विकास परियोजना प्रबंधन से एमबीए कर रहे या कर चुके युवा भी इसके योग्य माने जाएंगे। तो अगर आप ऐसा कोई कोर्स कर रहे हैं, कृषि एग्रीकल्चर में कोई कोर्स कर रहे हैं, तो आप भी इसके पात्र हैं, आप भी कुछ समय के लिए सरकारी सेवा में जा सकते हैं और वहां पर कुछ नई चीजें सीख सकते हैं। एनसीडीसी ने सहकार मित्र पेड इंटर्नशिप कार्यक्रम हेतु फंड भी बनाया है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक इंटर्न को 4 माह की अवधि के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त होगी और उन्हें 4 माह का रोजगार मिनिमम दिया जाएगा। अगली जानकारी है, आरबीआई ने एक कमेटी बनाई है और इस कमेटी का जो मेन रोल है वो निजी क्षेत्र के बैंकों के स्वामित्व और कॉरपोरेट ढांचे पर दिशा निर्देश की समीक्षा के लिए एक आंतरिक कार्य समूह गठित किया है। जो भी आपके प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं उनमें अक्सर आपने देखा होगा कि हेड बदल जाते हैं या जो हेड होते हैं वो अपने मनमर्जी लोन बांटने लगते हैं और उसमें कोई उनको रोकने का, कोई रोकथाम करने का कोई जरिया नहीं होता। तो ऐसे में एक ढांचागत सिस्टम की जरूरत है, जो कि आरबीआई ने उसके लिए कमेटी अपॉइंट की है और ये आरबीआई के कार्यकारी निदेशक यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पीके मोहंती जी करेंगे। यह समूह निजी क्षेत्र के बैंकों के स्वामित्व पर बैंकिंग और नियमों के लाइसेंसिंग दिशा निर्देशों की जांच करेगा। यह एक गैर वित्तीय होल्डिंग कंपनी के माध्यम से वित्तीय सहायक कंपनियों को होल्डिंग पर विनियमों की भी समीक्षा करेगा। तो पीके मोहंती जी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई है, क्यों, क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं उनके स्वामित्व और कॉरपोरेट ढांचे पर दिशा निर्देश दिए जा सके कि किस तरीके से आपको काम करना है। अगली जानकारी है, कैप्टन अर्जुन, भारतीय रेलवे के सेंट्रल रेलवे जोन द्वारा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट इनेबल्ड रोबोट कैप्टन अर्जुन जो है उसको लॉन्च किया गया है। एआई रोबोट को यात्रियों की स्क्रीनिंग को तेज करने और असामाजिक तत्वों पर नजर रखने के लिए लगाया गया है। इसमें एक सेंसर लगा हुआ है जो आपकी थर्मल स्क्रीनिंग करेगा, इसमें एक डिस्प्ले बोर्ड लगा हुआ है जो ये बताएगा कि टेम्परेचर कितना है, साथ साथ ये इसमें कैमरे भी लगे हुए हैं जिसको रिकॉर्ड कर पाएगा। तो रोबोट पर स्थापित मोशन सेंसर, एक पीटी जेट कैमरा और एक ड्रोन कैमरे की मदद से उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकेगा। तो कैप्टन अर्जुन क्या है, कैप्टन अर्जुन एक रोबोट है जो तेजी से स्क्रीनिंग करेगा रेलवे प्लेटफॉर्म पर और ये किसके द्वारा डेवलप किया गया, भारतीय रेलवे के सेंट्रल रेलवे जोन द्वारा। अब बारी है आज के हमारे न्यूज फटाफट की। 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया गया, रक्तदान दिवस, हर किसी को रक्तदान करना चाहिए और क्योंकि एक रक्तदान करने से कईयों के जीवन बच सकते हैं। 14 जून को ये क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन कार्ल लैंड स्टीनर का वो जन्म हुआ था और लैंड स्टीनर को ही माना जाता है कि उन्होंने ही ब्लड ग्रुप की खोज की थी, या आप कह सकते हैं रुधिर की खोज जो है वो लैंड स्टीनर ने ही की थी। प्रत्येक वर्ष 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य सुरक्षित रक्त की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना और रक्तदाताओं के सुरक्षित जीवन, रक्षक रक्त प्रदान करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना है। इस बार की जो थीम रही है वो रही है सुरक्षित रक्त बचाए जीवन, सेव ब्लड सेव लाइफ, और स्लोगन रहा है गिव ब्लड एंड मेक द वर्ल्ड ए हेल्थियर प्लेस।
पहली बार विश्व रक्तदान दिवस 14 जून 2004 को मनाया गया था। 14 जून को नोबेल प्राइज विजेता कार्ल लैंडस्टीनर की जयंती पर यह दिवस मनाया जाता है। कार्ल लैंडस्टीनर को ब्लड ग्रुप सिस्टम खोजने का भी श्रेय जाता है। वर्ल्ड विंड डे या ग्लोबल विंड डे हर साल 15 जून को मनाया जाता है। हम सभी को पता है कि हमारे पास अक्षय ऊर्जा का भी स्रोत है, रिन्यूएबल एनर्जी भी है हमारे पास, जो सूर्य के रूप में है, पवन के रूप में है, पवन के जरिए भी हम बिजली बना सकते हैं। तो इस सारी चीजों को देखने के लिए, इन सारी चीजों को डेवलप करने के लिए, इनके बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कि केवल और केवल हम पेट्रोलियम या कोल पर ही डिपेंड ना रहें, हम इन जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं उनको पर भी काम करें। तो हाल फिलहाल वर्ल्ड विंडे, जिसे ग्लोबल विंडे के रूप में भी जाना जाता है, हर साल 15 जून को मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर में पवन ऊर्जा का उपयोग और उसकी शक्ति के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इसकी वैश्विक स्तर पर शुरुआत 2009 में हुई थी। अगली जानकारी है अंतरराष्ट्रीय एल्बिनिज्म डे। एल्बिनिज्म क्या होता है, आपने कभी कभी कुछ लोगों को देखा होगा कि वो एकदम व्हाइट से दिखाई देता है, बाल उनके भी व्हाइट हो जाते हैं, चेहरा भी एकदम व्हाइट व्हाइट सा हो जाता है, तो वो जो कलर है वो डिप्रेस होने जाता है। इस बीमारी को एल्बिनिज्म कहा जाता है और ये एक ऐसी बीमारी है जो अगर एक बार हो जाती है तो क्योर करने में काफी टाइम लगता है। तो इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। तो हर साल 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है और इस बार इसकी जो थीम रही है वो मेड टू साइन रही है। चलिए अब करते हैं आज के हमारे वन लाइनर की बात की जाए तो किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने आई क्लोज नाम से एक एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली शुरू की है, तो वह है महाराष्ट्र। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा निजी बैंक शेयरधारिता मानदंडों की समीक्षा करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक वर्किंग ग्रुप का गठन किया गया है, तो वो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई पीके मोहंती। किसने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की सहकार मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम पर योजना का शुभारंभ किया है, तो वो है केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। सुशांत सिंह राजपूत ने अभी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे, अभिनेता, यहां क्षेत्र गलत लिखा हुआ है। किसको बिहार सरकार द्वारा बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो अभिनेता पंकज त्रिपाठी। भारतीय रेलवे के किस रेलवे जोन द्वारा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड रोबोट कैप्टन अर्जुन लॉन्च किया गया है, तो वह है सेंट्रल रेलवे जोन। किस तरह के चिकित्सा संस्थानों को पहली बार भारत रैंकिंग 2020 में एनआईआरएफ रैंकिंग्स में शामिल किया गया है, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में शामिल किया गया है, तो वो जो है वो आपके पहली बार दंत चिकित्सा को शामिल किया गया है। भारतीय रेलवे ने किस क्षेत्र में पहली बार डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन को चलाया, तो पश्चिम रेलवे में एक ओवरहेड इक्विपमेंट के क्षेत्र में इसको चलाया है। भारत ने फीफा रैंकिंग में अपना कौन सा स्थान बरकरार रखा है, 108वां, पहले स्थान पर बेल्जियम है। किस राज्य ने बाल श्रमिकों को शिक्षित करने के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की है, तो वह है उत्तर प्रदेश। 1000 रुपए लड़कों को मिलेंगे, 1200 रुपए लड़कियों को मिलेंगे, 2000 छात्रों को छाटा जाएगा। मर्सर के 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार रहने की लागत के मामले में कौन देश का सबसे महंगा शहर है, तो वो है मुंबई। कौन सा स्टेशन दुनिया का सबसे लंबा रेलवा प्लेटफॉर्म पाने के लिए तैयार हो रहा है, तो वो है हुबली, कर्नाटक। किसने पूर्वी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में पदभार ग्रहण किया है, तो वो है विश्वजीत दास गुप्ता। सोहा जोधा नाम का एक पहल किस देश ने शुरू की है, जो कोविड-19 उपचार से ठीक हुए रोगियों को प्लाज्मा एक्सचेंज की सुविधा एक ऑनलाइन नेटवर्क के जरिए देंगे, तो वह है बांग्लादेश। घरेलू हिंसा और दुर्व्यवहार की शिकार महिलाओं की सहायता करने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए स्त्री नाम का एक कार्यक्रम किस शहर पुलिस ने शुरू किया है, हैदराबाद शहर पुलिस ने। अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म यानी कि रंगहीनता जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है, 13 जून को। जनजातीय छात्रों के छात्रावासों के लिए आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है, ओडिशा। और पूरी तरह से डिजिटल होने वाला निर्माण क्षेत्र का पहला संगठन बना है एनएचएआई, एनएचएआई के हेड है सुखबीर सिंह संधु। प्रत्येक वर्ष विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है, 14 जून को, और इस बार इसकी थीम रही है सेव ब्लड सेव लाइफ। वर्ल्ड विंड डे हर साल कब मनाया जाता है, 15 जून को। अब बारी है आज के हमारे क्विज की, फटाफट से करते हैं। किस चिकित्सा संस्थानों को पहली बार भारत रैंकिंग 2020 में शामिल किया गया है, तो वह है डेंटल इंस्टीट्यूशन। भारतीय रेलवे ने किस क्षेत्र में पहली बार डबल स्टैक कंटेनर चलाया है, तो वो है आपका वेस्टर्न रेलवे ओवरहेड इक्विपमेंट पश्चिमी रेलवे में। भारत ने फीफा रैंकिंग में अपना कौन सा स्थान, आप ऐसे याद रखना गुजरात में चलाया, तो वहां से पश्चिम रेलवे ही है। भारत ने फीफा रैंकिंग में अपना कौन सा स्थान बरकरार रखा है, 108, पहले नंबर पर बेल्जियम आया है और दूसरे नंबर पर फ्रांस आया है। फीफा के हेड कौन है, जियानी इन्फेंटिनो।
किस राज्य ने बाल श्रमिकों को शिक्षित करने के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश ने 1,000 रुपए लड़कों को दिए जाएंगे, 1,200 रुपए लड़कियों को दिए जाएंगे जो भी बाल श्रम करते हैं, और वो 8, 9, 10 कक्षा पार करते हैं तो उनको प्रत्येक साल 6,000 रुपए अतिरिक्त मिलेंगे। मर्सर का 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार रहने की लागत के मामले में प्रवासियों के लिए देश का सबसे महंगा शहर कौन सा आया है? तो वो है मुंबई। कौन सा स्टेशन दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनने के लिए तैयार हो जा रहा है? तो वह है हुबली का प्लेटफॉर्म नंबर 1, हुबली कर्नाटक में है। किसने पूर्वी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो वह है विश्वजीत दास गुप्ता। सोहजोदा नामक एक पहल किस देश में शुरू की गई है जो COVID-19 के उपचार से ठीक हुए रोगियों के प्लाज्मा एक्सचेंज की सुविधा कर एक नेटवर्क बनाती है? तो वह है बांग्लादेश। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना। घरेलू हिंसा और दुर्व्यवहार की शिकार महिलाओं की सहायता के लिए, उन्हें सशक्त बनाने के लिए स्त्री नाम का कार्यक्रम किस पुलिस ने शुरू किया है? तो यह हैदराबाद पुलिस ने शुरू किया है। अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म डे कब मनाया जाता है? यह आपका हर साल 13 जून को मनाया जाता है। विश्व रंग अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस हर साल आपका 13 जून को मनाया जाता है। जनजाति छात्रों के छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो वह है उड़ीसा। क्योंझर और संबलपुर क्षेत्र में पहले इन्होंने शुरुआत की है। पूरी तरह डिजिटल होने वाला निर्माण क्षेत्र का पहला संगठन कौन सा बना है जो पूरी तरह से डिजिटल हो गया है? निर्माण क्षेत्र यहां पर मैन्युफैक्चरिंग लिखा हुआ है, कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, कंस्ट्रक्शन वाला निर्माण क्षेत्र, तो वो है आपका NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने iFlows नाम से एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली शुरू की है? तो यह मुंबई में शुरू हुई है और मुंबई क्योंकि महाराष्ट्र में आता है तो इसका सही आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा निजी बैंक शेयर धारिता मानदंडों की समीक्षा करने के लिए किसकी अध्यक्षता में वर्किंग ग्रुप का गठन किया गया है? तो वो है आपके पीके मोहंती, यानी कि प्रसन्ना कुमार मोहंती, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वर्तमान समय में RBI में, और RBI के जो मैनेजर हैं आपके शक्तिकांत दास जी, उनको अभी हाल ही में एशिया पैसिफिक बैंकर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला था। किसने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के सहकार मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम पर योजना का शुरू किया है? तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी द्वारा। सुशांत सिंह राजपूत ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो यहाँ क्षेत्र थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, मिसप्रिंटिंग है, एक सेकेंड। तो देन द राइट आंसर, वो एक्टर थे और अभी हाल ही में बांद्रा स्थित घर पर वो मृत पाए गए थे। कौन से इसका शुभारंभ स्वास्थ्य देखभाल की आपूर्ति के लिए वास्तविक समय पर उपलब्धता, यानी कि जो दवाइयां हैं उनको प्रॉपर तरीके से उपलब्ध कराने के लिए आरोग्य पाथ नाम का एक ऐप बनाया गया, आरोग्य पैथ है, आप इसे पढ़िएगा, पैथोलॉजी से संबंधित है इसका। ये न्यूज बस क्वेश्चन में ही ठीक थी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी। किसको बिहार सरकार द्वारा बिहार का खादी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो वह है अभिनेता पंकज त्रिपाठी। भारतीय रेलवे के किस रेलवे जोन द्वारा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड रोबोट कैप्टन अर्जुन का लॉन्च किया गया है? तो याद है आपको, जी हाँ, सेंट्रल रेलवे जोन द्वारा यह किया गया है। प्रत्येक वर्ष विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? 14 जून को, ऑप्शन में नहीं है। सेव ब्लड सेव लाइफ, तो ये 14 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन एक भी करेक्ट नहीं है। वर्ल्ड विंडे हर साल कब मनाया जाता है? वर्ल्ड विंडे हर साल 15 जून को मनाया जाता है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, और उम्मीद करते हैं ये करंट अफेयर्स आपको पसंद आए होंगे। अभी के लिए इतना ही रखता हूँ, थैंक यू सो मच, बाय बाय, ध्यान रखिएगा अपना, बाकी मिलते हैं कल करंट अफेयर्स में।